गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं आपका इतिहास विषय में स्वागत करता हूं। हमारे जो इससे पिछले वाले जो वीडियो थे वो अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पे थे। पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका की खोज हुई। अगले वीडियो में हमने देखा कि भाई अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम के क्या क्या कारण थे। फिर हमने देखा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की उस दौर में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी। आज हम देखेंगे कि इंग्लैंड के पराजय के क्या कारण थे और अमेरिकी क्रांति का दूसरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि इंग्लैंड की पराजय के कारण। ठीक है, मेन टॉपिक तो यही है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसमें है इंग्लैंड की पराजय के कारण या अमेरिका की जीत के कारण। ठीक है, इंग्लैंड की पराजय के कारण। देखो, अमेरिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य अंध महासागर था बहुत बड़ा, तो इनके मध्य हजारों किलोमीटर की दूरी थी। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण था इंग्लैंड की पराजय का कि उन्हें हजारों किलोमीटर दूर आके लड़ना पड़ रहा था, और जो बीच में जो विदेशी सहायता मिली अमेरिका को, फ्रांस की, जर्मनी की, स्पेन की, हॉलैंड की, उन्होंने क्या किया कि जो इंग्लैंड के जो जहाज थे, जहाजी बेड़े थे, उनको बीच महासागर में रोक लिया, आगे उनको सहायता के लिए अमेरिका तक नहीं जाने दिया। तो ये हजारों किलोमीटर की दूरी थी, ये भी इंग्लैंड की पराजय का कारण था। ठीक है, तो पहला है इंग्लैंड वह अमेरिका के मध्य दूरी का अधिक होना। ठीक है, ये एक कारण था। दूसरा कारण था, आपको पता है कि अमेरिका की खोज किस वजह से हुई थी। अमेरिका की खोज ब्रिटेन के ही जो नागरिक थे वो ही अमेरिका में जाके बसे थे। जो अमेरिका के मूल निवासी थे वो तो रेड इंडियंस थे, वो तो बेचारे वहाँ पे आदिवासियों की तरह रहते हैं, आज भी वो उसी तरह से रहते हैं। उनकी स्वतंत्रता में कोई भी चीज़ की जो बढ़ोतरी हुई है वो नहीं हुई है, वो आज भी उसी तरह परतंत्र और आदिवासी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो स्वतंत्रता थी ये इंग्लैंड के ही अपने लोग थे, ये ही इंग्लैंड के विरुद्ध खड़े हुए थे। ठीक है, तो जो इंग्लैंड के जो सैनिक थे वो अपने स्वजातीय बंधुओं से लड़ रहे थे, तो अपने स्वजातीय बंधुओं से लड़ने में उनमें ऐसा जोश नहीं था जो एक दुश्मन से लड़ने पे मिल सकता था। और जो अमेरिका के जो स्वयंसेवक थे वो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे, वो अपने देश को, अपने महाद्वीप को स्वतंत्र कराना चाहते थे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि भाई इंग्लैंड के जो लोग थे अपने स्वजातीय बंधुओं से लड़ रहे थे और अमेरिका के जो स्वयंसेवक थे वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे, तो ये भी एक कारण था। ठीक है, इंग्लैंड के सैनिक अपने स्वजातीय बंधुओं से लड़ रहे थे, स्वजातीय बंधुओं से लड़ रहे थे। ठीक है, तीसरा था, अमेरिका के स्वयंसेवक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे, देश प्रेम की भावना से
ओतप्रोत थे। ठीक है, चौथा है इंग्लैंड के जो सैनिक थे वो किराए के सैनिक थे, जर्मनी से यहाँ से लाए हुए थे, तो उनकी युद्ध में इतनी रुचि नहीं थी। तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि इंग्लैंड के सैनिक किराए के सैनिक थे, इंग्लैंड के सैनिक किराए पे लाए हुए सैनिक थे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट बन गया। एक पांचवा पॉइंट है कि इंग्लैंड के जो सेनानायक थे, इंग्लैंड के सेनानायकों के मुकाबले अमेरिकी नेतृत्व प्रभावी होना। भाई जो इंग्लैंड के जो सेनानायक थे जैसे होथ था और दूसरे थे विलियम थे, इन लोगों के पास युद्ध जीतने के बड़े अवसर आए थे, लेकिन उन्होंने उनको जीत में तब्दील नहीं किया क्योंकि उनकी खुद की सहानुभूति अमेरिकी स्वयंसेवकों के प्रति थी। और उनका जो युद्ध मंत्री था वो कभी कभार अमेरिका के युद्ध की खबरें ले लेता था, तो वहाँ पे मिसमैनेजमेंट था। जबकि दूसरी तरफ जो अमेरिका के जो सेनापति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, सैमुअल एडम्स, ये बहुत अच्छे लीडर साबित हुए। उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को, अपने सैनिकों को मोटिवेट किया और विपरीत परिस्थितियों में युद्ध जीतने की कला उनको सिखाई और अंत में युद्ध भी जीता। और इनकी जो नेतृत्व क्षमता को, उनकी उद्यमशीलता को देख के इनको विदेशी सहायता भी मिली। ठीक है, तो ये जो सारे कारण थे ये इंग्लैंड की पराजय के कारण हुए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं हम। अब अमेरिकी क्रांति के क्या प्रभाव पड़े हम वो देखेंगे कि अमेरिकी क्रांति के विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है अमेरिकी क्रांति का, कि अमेरिकी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिकी क्रांति का विश्व पर प्रभाव, विश्व पर प्रभाव। ठीक है, ये क्या प्रभाव पड़ा? इसमें पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि पेरिस की संधि जो दिसंबर 1783 में हुई थी उसके आधार पर अमेरिका का एक लिखित संविधान और एक लोकतांत्रिक देश सामने आया। तो विश्व में पहली बार लोकतांत्रिक देश सामने आया था और एक लिखित संविधान के रूप में ये सामने आया था। ठीक है, तो एक लोकतांत्रिक देश का उदय, लोकतांत्रिक देश का उदय वह लिखित संविधान, वह लिखित संविधान, एक लिखित संविधान विश्व को मिला था। ठीक है, दूसरा कारण था वाणिज्यवाद का अंत, वाणिज्यवाद का अंत। देखो वाणिज्यवाद क्या होता है,
वाणिज्यवाद में क्या होता है कि आयात को तो निरुत्साहित किया जाता है और निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। आयात का मतलब सामान देश के अंदर आना, उसको तो निरुत्साहित किया जाता है, और निर्यात का मतलब देश से सामान का बाहर जाना। ठीक है, मतलब बाहर जाएगा तो आपको सोना चांदी जो भी उस वक्त की जो धातुएं हैं या मुद्रा हैं वो देश को मिलेगी। आयात आप करोगे तो आपको किसी दूसरे देश को ये चीज़ें देनी पड़ेगी। तो वाणिज्यवाद क्या था? वाणिज्यवाद यही था कि भाई इसमें आयात को तो क्या होता था, निरुत्साहित किया जाता था। आयात को निरुत्साहित मतलब उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, और निर्यात जो था उसे प्रोत्साहित किया जाता था। ठीक है, ठीक है। और वाणिज्यवाद का अंत कैसे हुआ? क्योंकि जो इससे पहले जो इंग्लैंड था वो अपने उपनिवेशों को कच्चा माल प्राप्त करने का एक उपकरण मात्र समझता था कि मुझे यहाँ से कच्चा माल लेना है और अपना जो तैयार माल है वो बेचना है, मतलब बाजार बना रखा था, कच्चा माल तो लेना है और तैयार माल बेचना है। ठीक है, अमेरिकी क्रांति हुई तो वाणिज्यवाद का अंत हुआ, अब इंग्लैंड और अमेरिका के मध्य व्यापारिक संबंधों की एक स्थापना हुई तो अपने आप वाणिज्यवाद का अंत हो गया, व्यापारिक समृद्धि की और ये दोनों देश चलने लग गए। ठीक है, एक तरीके से ये उपनिवेश नहीं रहा था। ठीक है, तीसरा है राष्ट्रमंडल की स्थापना, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल की स्थापना, देखो राष्ट्रमंडल वो संगठन है जहाँ पे ब्रिटेन ने कभी ना कभी शासन किया हुआ है। जैसे भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ऑस्ट्रेलिया भी है। कई बार प्रश्न आता है कि अमेरिका क्यों नहीं राष्ट्रमंडल का सदस्य? अमेरिका इस राष्ट्रमंडल से दूर रहा था क्योंकि इसी की क्रांति से तो राष्ट्रमंडल का उदय हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन को लगने लग गया था कि हम उपनिवेशों को बिल्कुल उनके हाल पे नहीं छोड़ सकते, हमें उपनिवेशों की समस्याओं पे ध्यान देना होगा। यदि नहीं ध्यान देंगे तो अमेरिका जैसे हमारे हाथ से गया वैसे भारत अफ्रीका में जो उनके उपनिवेश बने हुए हैं वो भी उनके हाथ से चले जाएंगे। तो अमेरिकी क्रांति के बाद में जो ब्रिटेन जो था वो अपने दूसरे उपनिवेशों पर ध्यान देने लग गया और एक राष्ट्रमंडल की स्थापना की, जिससे उसे अपने उपनिवेशों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त होने लग गई। ठीक है, चौथा है फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि अमेरिकी जो क्रांति हुई थी उस पर फ्रांस के सैनिकों ने सहायता की थी, और लफायस जैसे सेनापति जो फ्रांस का सेनापति था वो भी उनके साथ था। वहाँ पे उन्होंने पहली बार समानता के लिए युद्ध करना और जो लोकतंत्र की जो भावना है इन चीज़ों को फ्रांसीसी सैनिकों ने देखा। और फ्रांस का इस युद्ध में शामिल होना उनको आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान पहुंचाने वाला रहा। फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो डावाडोल हो गई, एक तरीके से ख़त्म सी हो गई। ठीक है, ख़त्म हो गई। दूसरे जो सैनिक थे वो स्वतंत्रता समानता की भावना को लेकर ओतप्रोत थे कि भाई हमें भी इस तरह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिस स्वतंत्रता के लिए हमने अमेरिकी क्रांति की। तो दोनों कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के। तो अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी क्रांति ने भी फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव डाला, फ्रांसीसी क्रांति पर होने पर प्रभाव डाला, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में जो लोग शामिल थे वो ज़्यादातर अमेरिकी क्रांति में भाग लेने वाले सैनिक ही थे। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति का एक फ्रांसीसी क्रांति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अगला है आयरलैंड पर प्रभाव, आयरलैंड पर प्रभाव।
आयरलैंड क्या था, आयरलैंड एक ब्रिटिश द्वीप समूह का भाग था, वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए उत्सुक हो रहा था, वो भी अपनी स्वतंत्रता की बातें करता था कि भाई मेरे को भी स्वशासन दिया जाए। तो अमेरिकी क्रांति के बाद में आयरलैंड भी इन्हीं नक्शे कदमों पर चला गया और उसे भी इस चीज़ का फायदा, उसे भी एक नई राह दिखी। तो ये जो कारण थे ये एक बहुत बड़े प्रभाव डालने वाले थे जो अमेरिकी क्रांति के बाद में विश्व को देखे गए थे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी डेट की, वो हम देखते हैं वे किस तरह से घटनाएं घटित हुई कि आगे जाके अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, जैसे पहली घटना है 1492 कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज। दूसरी है 1607 जेम्स टाउन में प्रथम अंग्रेज बस्ती। ठीक है, तीसरा है 1651 नेविगेशन एक्ट, ठीक है, इससे पहले 1651 से पहले हम इसको 3A कर देंगे। 3 में है 1624, इसमें है कि यहाँ पे अमेरिकी बस्तियों पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत, अमेरिकी बस्तियों पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत। नियंत्रण की शुरुआत क्या थी, तंबाकू व्यापार पर नियंत्रण। ठीक है, और नेविगेशन एक्ट भी इसी तरह का था, जो अमेरिकी जो बस्तियों पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत के तहत ही नेविगेशन एक्ट हुआ था, लेकिन इतनी सख्ताई से नहीं लागू हुआ था। ठीक है, चौथा है आपका 1764, इसमें है सुगर एक्ट, ग्रीनविले सरकार। ठीक है, 1765 में है आपका स्टाम्प एक्ट, पर है स्टाम्प एक्ट की
समाप्ति ये है रॉकिंगम सरकार, रॉकिंगम सरकार। ठीक है, सातवां है 1767 टाउनसेंड कर योजना, टाउनसेंड कर योजना। आठवां है 5 मार्च 1770 बोस्टन हत्याकांड, बोस्टन हत्याकांड। ठीक है, नौवां है 16 दिसंबर 1773 बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, दसवां है ये है 5 सितंबर 1774 प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दसवां ग्यारहवां है आपका 19 अप्रैल 1775 यह है लक्ष्यगटन हत्याकांड, लक्ष्यगटन हत्याकांड। ठीक है, बारहवां है 10 मई 1775 द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। ठीक है, आगे है 4 जुलाई 1776 अमेरिकी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता घोषणा पत्र। ठीक है, और चौदहवां है 3 दिसंबर 1783 पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में घटित हुई थी। आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगले हम वीडियोज़ में फ्रांसीसी क्रांति इनका अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।